हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनुराधा आप सबका स्वागत करती हूँ प्लस साइज क्लॉथिंग विद अनुराधा चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मीशो से फेस्टिवियर साड़ी। जैसे कि आप लोगों को पता है, अब फेस्टिवल का सीजन शुरू हो गया है। डे बाय डे कोई ना कोई फेस्टिवल आता रहता है, तो अब आने वाली है राखी। तो इसीलिए कुछ इजी टू वियर और बहुत ही चीप एंड बेस्ट रेट पर मैं आपके लिए कुछ अच्छी अच्छी साड़ी लेके आई हूँ, जिसको आप पहनकर अपने लुक को इन्हेंस कर सकते हैं। तो आइए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं, और जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और साड़ी पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ शिफॉन की बांधनी साड़ी, जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है हम सब लेडीज़ में, क्योंकि जयपुरी और बांधनी का प्रिंट ऐसा होता है जिसे हर कोई वियर करना चाहता है, और वो हर ओकेजन पे, सारे ओकेजन्स पे फिट हो जाती है। ये देखिए, ये साड़ी बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। इसको देखते ही मुझे बहुत ही अच्छा लगा था कि फटाफट से इसे खरीद के पहन लूँ। ये देखिए, इसका ना लुक कुछ इस टाइप से है। ऊपर से ये पिंकी शेडिंग है यहाँ पर, और नीचे पूरा यहाँ पर ये देखिए पूरा इसका ये प्रिंट है। अब मैं आपको इसको अच्छे से दिखाती हूँ खोलकर। ये देखिए, ये पूरी साड़ी नीचे तक है, और इसमें यहाँ पर बॉर्डर भी है। बॉर्डर काफ़ी प्रिटी है, और ये पूरी शिफॉन की साड़ी है। बहुत ही अच्छा फैब्रिक है इसका, क्वालिटी 10 out of 10 है। जैसे कि मैं इसको हाथों से छू पा रही हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैंने अभी आपको दिखाया था, ये इसका ब्लाउज पीस है। ये इसका ब्लाउज पीस है जिसपे बॉर्डर लगा है। एक्चुअली पूरी साड़ी ऐसे ही है, तो मुझे थोड़ा पता नहीं चला, बट बीच में जैसे ये प्लेन आया तो मुझे पता चला कि ये ब्लाउज पीस है। ये रनिंग में है। अगर आप चाहें तो इसको एज ए साड़ी भी यूज कर सकते हैं, बहुत प्यारी लगेगी और काफ़ी लंबी भी हो जाएगी ये। ये देखिए, इसका ऊपर की जो शेडिंग है बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही अच्छी है। थोड़ा अलग सी है, पिंक में भी पिंक सा नहीं है, थोड़ा फालसी मेहरून सा कलर होता है वो है ये। ये देखिए, और अब ये आपका आ जाता है, ये ऊपर से शुरू हो जाती है इसका बॉर्डर, और यहाँ पर ये है इसका पल्ला। पल्ला ये पूरी साड़ी ऑल ओवर एक जैसी है, बस यहाँ पर ये पल्ले पर इसमें बॉर्डर अलग से पूरा बंधा हुआ दे रखा है। तो आई थिंक इट्स अ सुपीरियर वन, बहुत ही सोफिस्टिकेटेडली है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगेगी अगर आप इसे पहनते हैं किसी भी ओकेजन पर, बहुत ही सुंदर लगने वाली है ये। मेरी तरफ से 10 out of 10 है। आप इसको हाई टू हाईली रिकमेंड करूँगी, परचेज ज़रूर कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको पहनकर, और इसका फैब्रिक बहुत बहुत अच्छा है। प्राइसेस एंड कोड स्क्रीन पर शेयर हो रहे हैं, और इनके जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ जाके चेकआउट कर लीजिएगा। अब फ्रेंड्स, वैसे तो फेस्टिवियर सीज़न है, लेकिन मेरे पास कमेंट में एक साड़ी की काफ़ी डिमांड आई है दिखाने के लिए, तो वो है एक ब्लैक एंड वाइट साड़ी, बट रफल की है। तो क्योंकि राखी का त्यौहार है या और भी जो फेस्टिवल्स हैं, तो उसमें गर्लिश लुक के लिए भी कुछ होना चाहिए। तो ये बहुत ही प्रिटी साड़ी है, ये देखिए ब्लैक एंड वाइट में है, और रफल की साड़ी है। मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी देखने में। तो ये है आपकी जॉर्जेट की साड़ी। तो आइए इसको देख लेते हैं ये कैसी है। सबसे पहले इसकी मैं शुरुआत करती हूँ पल्ले से। ये देखिए, सारा ब्लैक एंड वाइट का सारा पोल्का डॉट है, और फैब्रिक भी अच्छा है शिफॉन का, और सारे में आप ना वाइट कलर के कंट्रास्ट में ये रफल्स लगे हैं, और रफल्स में ब्लैक कलर के डॉट हैं, और बाकी साड़ी पे वाइट कलर के डॉट हैं। ये पूरी साड़ी आपकी ऐसे ही है, ये रफल की है चारों तरफ, देखिए इसमें रफल्स हैं, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, स्टिचिंग बहुत अच्छी है, फैब्रिक भी बहुत अच्छा है। ये देखिए, यहाँ से जहाँ से बांधने शुरू हो जाते हैं ना, ये आपकी प्लेट्स पड़नी शुरू हो जाती है, वहाँ तक ये रफल्स हैं। और ये है इसका शुरुआत का पीस, और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका ब्लाउज पीस। ये देखिए, जो ब्लाउज पीस है वो भी अच्छी क्वालिटी का है, सिल्क में है, और जो टफेटा सिल्क होती है आई थिंक वो है ये, मगर क्वालिटी अच्छी है, बहुत ही अच्छे है। तो अगर
जो गर्लिश लुक के लिए ऐसी रफल टाइप साड़ी चाहते हैं तो वो इसको पहन सकते हैं। पहन के बेहद सुंदर लग रही है, बहुत प्यारा लुक आ रहा है इसका, तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। इसको आप अदर फेस्टिवल्स में भी कैरी कर सकते हैं, मौसम का भी कोई इश्यू नहीं है, बहुत ही इजी टू वियर है पहनने में, बहुत ही सॉफ्ट है। 10 out of 10 इसको भी मैं देती हूँ, तो आप इसको भी परचेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब मेरी नेक्स्ट साड़ी है एक येलो कलर में, बहुत ही प्यारा प्रिंट है इसका, शिफॉन की साड़ी है ये देखिए। एक्चुअली मेरे लिए सबसे ज़्यादा ना कपड़े की क्वालिटी बहुत मैटर करती है, अगर कपड़ा बहुत ही सॉफ्ट है और बॉडी हगिंग है तो बहुत ही अच्छा लगता है पहनने में। तो ये इसी टाइप का फैब्रिक है, बहुत ही प्यारी साड़ी है ये देखिए आप, और शिफॉन की साड़ी है ये, आई लव इट, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। और अब हम इसको देख लेते हैं पूरी खोलकर। सबसे पहले तो इसमें यहाँ चारों तरफ ये देखिए लेस लगी हुई है, पूरी साड़ी में है ये जैसे क्रोशे की लेस होती है ये उस टाइप से है, बहुत ही हल्की हल्की चारों तरफ है ये देखिए आप इसका प्रिंट, बहुत ही छोटा प्रिंट है। और सबसे अच्छी बात है छोटे के साथ बहुत ही ज़्यादा लाइट प्रिंट है, और इसमें जो शेडिंग यूज़ करी गई है बाकी जो फ्लावर्स की और लीव्स की भी ना, उसमें जो फैब्रिक जो कलर है वो ब्राइट नहीं है, बहुत ही अच्छा कलर है। तो इस पर आप कोई भी अच्छी हैवी ज्वेलरी पहन के इसे फेस्टिव वियर लुक दीजिए, बहुत ही प्यारी लगेगी, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती हैं इस टाइप की साड़ियाँ। ये आपकी पूरी साड़ी हो गई, और ये है इसका ब्लाउज पीस। ब्लाउज पीस मुझे लग रहा है जैसे बस कट स्लीव्स बन सकता है, तो अगर जो स्लीव्स बनवाना चाहते हैं उन्हें अलग से लेना पड़ेगा रुपया, लेकिन जो कट स्लीव्स पहनते हैं उनका बन जाएगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं है ब्लाउज पीस, आई थिंक इतना सही है ये, मतलब मोड़ के फोल्ड करके मैं दिखा रही हूँ, तो मुझे 80 से भी कम लग रहा है ये, 70 के आसपास लग रहा है, 70 सेंटीमीटर, तो आई थिंक कट स्लीव्स बन जाएगी, स्लीव वाली तो नहीं बनेगी, लेकिन अच्छा है। कुल मिला के साड़ी बहुत प्यारी है, बहुत ही सुंदर साड़ी है, डेफिनेटली यू मस्ट ट्राई दिस साड़ी इन दिस फेस्टिवल, क्योंकि गर्मी भी इतनी पड़ रही है ना कि ज़्यादा हैवी से हैवी लुक भी कैरी नहीं किए जाते, तो इसी को आप साड़ी पहनिए बिल्कुल सॉफ्ट, और ज्वेलरी पहनिए हैवी, और अपना लुक क्रिएट कीजिए, बहुत प्यारी साड़ी है, तो डेफिनेटली 10 out of 10। फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा प्यारी पिस्ता ग्रीन कलर की साड़ी, जिसे हम घिया कलर भी कहते हैं। ये देखिए आजकल ब्रासो की ये साड़ियाँ काफ़ी चल रही हैं, इसका लीव्स का पैटर्न देखिए कितना प्यारा है, और ये सारा सिल्वर में है, और नीचे यहाँ पर ये लेस लगी हुई है ये देखिए, ये भी बहुत प्यारी लग रही है रियली। इस बार मीशो ने क्वालिटी काफ़ी अच्छी रखी है, ये देखिए इसका लीव्स का पैटर्न बहुत प्यारा लग रहा है रियली में, और देख रहे हैं आप कलर भी कितना सूथिंग है, मतलब पिस्ता ग्रीन में भी बहुत हल्का है ये कलर, बहुत प्यारा लग रहा है। इसमें आपको कुछ ना फिरोजी टाइप का शेड आ लग रहा है, बट ये फिरोजी नहीं है, ये हल्का सा ग्रीन शेड है पिस्ता ग्रीन। तो आइए अभी साड़ी को पूरा खोल के देख लेते हैं हम। फ्रेंड्स, सबके प्राइजेस और कोड स्क्रीन पर शेयर हो जाएंगे, और लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएंगे, आप बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिए वीडियो, अदरवाइज क्या होगा कोई आप प्रोडक्ट परचेज करेंगे अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं हुई तो फिर आप कहेंगे हमने तो वीडियो देख के ली थी, बट आप पूरा वीडियो देखिए जिससे आपको पता चले कि उसकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ इसका ब्लाउज पीस, बहुत ही प्यारी अच्छी सिल्क का ब्लाउज पीस है, थोड़ी सी इसमें देखिए शाइनिंग भी आ रही है, अगर आप देख पा रहे हो तो सिल्वर कलर की है ये, जैसे इसमें लीव्स का ये पैटर्न है, तो काफ़ी अच्छा ब्लाउज पीस है ये, इसका फैब्रिक मुझे पसंद आया, बहुत ही अच्छा फैब्रिक है, बहुत ही अच्छी शाइनिंग है इसके अंदर, ये देखिए अगर हल्की हल्की शाइनिंग अगर आप देख पा रहे हो तो बहुत ही अच्छी है। और यहाँ से शुरू होती है ये आपकी साड़ी, ये इसमें कोई भी ज़्यादा खास बॉर्डर नहीं है, बस इसका जो प्रिंट है वही अपने आप में स्पेशल है, और नीचे साड़ी में ये लेस लगी हुई है ये देखिए, ये इस टाइप की साड़ी ना बहुत अच्छी लगती हैं, आप इनको जिस स्टाइल से चाहें उस स्टाइल से कैरी कर सकते हैं,
बहुत अच्छा लगेगा। आजकल तो ये फैशन चल रहा है कि इस टाइप की साड़ी लेके लोग लहंगा चोली भी बनवा लेते हैं। बहुत अच्छी लग रही है, देखिए ये पूरी ऐसी ऑल ओवर है और पल्ले पर बस यहाँ पर चारों तरफ से ये लेस लगी हुई है। तो इसको अगर आप थोड़ा स्टाइलिश ब्लाउज सिलवाते हैं और अच्छी ज्वेलरी, थोड़ा सा सिल्वर कलर की ज्वेलरी आप इस पे डालते हैं या इसी टाइप की ग्रीन कलर की, बहुत अच्छी लगेगी। जैसे कि आप देखिए लुक में भी देख रहे हैं, बड़ी प्यारी लग रही है ये साड़ी। तो इसको भी मैं 10 out of 10 दूंगी। बहुत ही अच्छा फैब्रिक है ये, आपका शिफॉन जॉर्जेट कुछ मिक्स है फैब्रिक, पर बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ही अच्छा सूदिंग सा है। तो सॉरी, आप इसको ज़रूर कैरी कीजिए इस फेस्टिव सीजन पे, कुछ डिफरेंट लगिए। हमेशा आप वो हैवी लुक की ट्रेडिशनल साड़ियाँ पहनते हैं, उनसे थोड़ा सा दूर रहिए इस बार, थोड़ा हल्का पहनिए और अपने आप को थोड़ा सा चेंज ओवर कीजिए। बहुत प्यारी साड़ी है, मस्ट बाई। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ नेक्स्ट साड़ी, जो है बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट। ये देखिए शिफॉन की साड़ी है ये, और ये है इसका प्रिंट, बहुत ही प्यारा प्रिंट है, बहुत ही प्यारे प्यारे इसमें रोजी रोजी फ्लावर्स बने हुए हैं। और इसका जो कलर है, जो पैटर्न, बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेडली है, बहुत ही अच्छी साड़ी है ये भी। इसको ओपन कर लेती हूँ। तो ये जितनी भी साड़ियाँ हैं सारी आपकी 620 मीटर की हैं, किसी में 630 है, किसी में 620 है, बट काफ़ी अच्छी लाइन लेंथ की हैं। सबसे अच्छा ऑल ओवर हैं ज़्यादातर, तो उनकी लाइन लेंथ बहुत अच्छी मिलती है। ये देखिए कितनी प्यारी साड़ी है ये। इस टाइप की आप साड़ी पहनते हैं ना, तो आप बहुत ही क्लासी लुक लगता है आपका। आप इसे कहीं पर भी वियर कर सकते हैं, कि आप कोई पर्टिकुलर जगह नहीं कि एक दिन आपने इसको पहना, साड़ी को रख दिया, नहीं, आप इसको कभी भी वियर कर सकते हैं। और ये है इसका ब्लाउज पीस, तो आप चाहें तो इसको कटवा के बनवा सकते हैं, 80 सेंटीमीटर का ही है ये भी, और चाहें तो आप इसको रनिंग में भी ले सकते हैं, एज यू चॉइस। बट इसका बनवाए तो मैं कहूँगी आप स्लीवलेस ब्लाउज बनवाइए, बहुत ही प्यारा लगेगा। मैं इसको भी 10 out of 10 दूंगी, बिल्कुल कम नहीं दूंगी। फैब्रिक बहुत बहुत स्मूथ है इसका भी, तो डेफिनेटली आप इसको भी ले सकते हैं। अब मैं आपको एक दिखाने वाली हूँ, काफ़ी ज़्यादा ये मुझे पसंद आई थी जब मैं मीशो पे साड़ियाँ देख रही थी। ये है कोटा डोरिया की साड़ी। जिस टाइप का सीजन है उसमें कोटा डोरिया भी बहुत अच्छा लगता है साड़ी में। ये देखिए, ये ना मुझे कुछ एक्चुअली पैकिंग इसकी इतनी मुड़ी हुई सी आई थी ना, तो ये देखिए मुझे लग रहा है कि ये पूरी ना किसी ने पैकेट में ऐसे बंच कर दी और पूरा मोड़ तोड़ के रख दी। और ये क्योंकि ये कोटा डोरिया की है, तो इसमें सारे में ये मुड़ गई, मगर बहुत प्यारी साड़ी है। ये शेडिंग में है, ये देखिए इसका ऑरेंज, और इस पे ये जो गोल्डन कलर आ रहा है ना, ये ना चुभता हुआ कलर नहीं है, ये है जैसे कि बिल्कुल एक क्या बोलूँ मैं, बहुत ही प्यारा सूदिंग सा गोल्डन कलर है, वो चुभता हुआ वाला नहीं है, मतलब आंखों को बहुत अच्छा लगता है, ये उस टाइप का कलर है। ये देखिए फ्यूशिया पिंक, ये इसकी शेडिंग बहुत प्यारी लगी थी मुझे, तो इसलिए मैंने ली। अब हम इसको पूरा खोल के देख लेते हैं कैसी है। ये देखिए ये साड़ी है पूरी, ये कोटा डोरिया में है, और इसकी फैब्रिक की क्वालिटी 10 out of 10 ही दूंगी, बहुत प्यारी क्वालिटी है इसकी भी। ये देखिए ये भी पूरी ऑल ओवर इसी टाइप की है, आप जैसे इसको चाहे कैरी कर सकते हैं। बट सबसे अच्छी बात क्या है कि ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, कलर बहुत ज़्यादा प्यारा है, शेडिंग बहुत अच्छी है इसकी। ये देखिए बहुत प्यारा लग रहा है, मतलब किसी भी स्किन टोन पे खिल के आ रहा है ये कलर। और ये है इसका पल्ला, ये हल्का सा कुछ डिफरेंट किया है इन्होंने। ये देखिए ये इसका पल्ला है, ये आप देख रहे हैं इसमें लाइनिंग सी, ये इसका पल्ला है। और इसका ये जो ब्लाउज पीस है वो रनिंग में ही है, तो यहाँ पर ही, तो मैं ये चाहूँगी कि अगर आपको ब्लाउज बनवाना ही है तो आप अपने हिसाब से, या आप ऑरेंज या फिर ये जो फ्यूशिया पिंक है, इस कलर का आप ब्लाउज बनवाइए। और कर्सिस पहनते हैं तो कर्सिस बनवाइए, उसमें ज़्यादा ग्रेस आता है। तो इसको आप पूरी 6 मीटर की साड़ी रहने दें,
बहुत प्यारी लगेगी। मेरी तरफ से इसको भी देखिए 10 out of 10 है, तो डेफिनेटली आप इसको भी बाई कर सकते हैं। इस पर आप गोल्डन ज्वेलरी लें, पिंक ज्वेलरी पहने, बहुत प्यारी लगने वाली है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ नेक्स्ट एक प्रॉपर रानी कलर की शिफॉन की साड़ी। ये साड़ी भी काफ़ी ट्रेंडिंग रहती है, चीप एंड बेस्ट है, तो सोचा चलो मैं भी इसको देखती हूँ कैसी है ये साड़ी। ये देखिए, फेस्टिव सीजन पे मैंने, काफ़ी अच्छी लगेगी ये साड़ी, इसका जो कलर है और जो पैटर्न है, और बहुत ही सस्ती है और बहुत ही इसका फैब्रिक अच्छा है, ठीक ठीक है, मतलब प्रॉपर शिफॉन की साड़ी है ये। अगर आपने इसको अच्छे से वियर किया ना, बहुत सुंदर लगेगी। जैसे आप फिल्मों में देखते हो ना, बिल्कुल हल्की लाइट वेट साड़ियाँ, ये वैसी है। ये इसकी ना ऊपर गोल्डन कलर की ये किनारी है यहाँ पर, और बाकी ये सारे में देखिए गोल्डन कलर का ना यहाँ पे वर्क हो रहा है, और इसका जो पैटर्न है वो भी बड़ा प्यारा है। ये चकोर सा जैसे मंडेला आर्ट होती है उस टाइप का है। ये देखिए प्रॉपर शिफॉन की साड़ी है, इसको भी मैं 10 out of 10 ही दूंगी, क्योंकि इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है। ये देखिए प्रिंट फैब्रिक सुपर्ब है, आप इसको भी किसी भी ओकेजन पे वियर कर सकते हैं, दिवाली किसी भी वेडिंग में भी पहन सकते हैं, काफ़ी प्यारी लग रही है। मतलब कई बार कुछ चीज़ें हल्की होती हैं देखने में, लेकिन उसको अगर अच्छे से हम ड्रेसअप करें तो अकॉर्डिंग टू हमारे होता है, तो हम उसको बहुत अच्छे से स्टाइल कर सकते हैं, पहन सकते हैं। ये देखिए पूरी ऑल ओवर साड़ी है, इसका ब्लाउज पीस जो है वो आया तो था, वो था गोल्डन कलर में इसमें, अब वो गोल्डन कलर का ब्लाउज पीस मुझे अभी मिल नहीं रहा, तो एक छोटा सा गोल्डन कलर का ब्लाउज पीस आया था। एक्चुअली मैंने सारे पैकेट खोल के देखे थे, क्योंकि सॉरी मैं ट्रस्ट नहीं कर पाती कि मीशो पे सारे पैकेट एकदम करेक्ट आएंगे, तो मैंने खोल के देखा तो उसमें ना कटा हुआ आया था ब्लाउज पीस, इसके साथ रनिंग में नहीं था, तो कटे हुए में ना वो शायद मैंने इधर उधर कहीं रख दिया। तो अब मैं आपको, बिल्कुल नॉर्मल था गोल्डन कलर का, कुछ भी ऐसा वर्क नहीं था, बट अगर आप बनवा रहे हैं इसमें तो आप इसमें पिंक कलर का भी बनवा सकते हैं ब्लाउज पीस अलग से लेके, बहुत प्यारा लगेगा, थोड़ा अच्छा सोबर लुक भी लगेगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट साड़ी, ये भी बड़ी प्यारी है, देखिए इसके कलर, चीप एंड बेस्ट साड़ियाँ। ये देखिए इसके जो पर्पल और लेवेंडर कलर के जो फ्लावर है ना, बड़े प्यारे लग रहे हैं, ये देखिए, और फैब्रिक बिल्कुल मक्खन जैसा है, मलाई जैसा, बहुत ही अच्छा है, सॉफ्ट है फैब्रिक। तो आइए इसको भी हम खोल के देख लेते हैं। चलो इसकी शुरुआत हो गई पहले पल्ले उससे, ब्लाउज पीस से। ये देखिए इससे आपको कलर समझ में आएगा कितना प्यारा कलर है। ये जो कलर है ये पूरा ब्लाउज पीस दिया गया है अलग से, तो इससे आप ब्लाउज पीस बनवा सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा, काफ़ी कंट्रास्ट में है तो काफ़ी सुंदर लगने वाला है। और बाकी पूरी साड़ी ये देखिए ऑल ओवर है, ये देखिए ये पूरी ऑल ओवर साड़ी है, 6.3 meter की साड़ी है ये। तो जब आप इसमें से, ये आपका इसमें से 80 cm या 70 cm का ब्लाउज पीस है, तो 80 भी हो सकता है 70 भी, अकॉर्डिंग टू आप देख लीजिएगा कितना बैठता है ये, बट बहुत प्यारी साड़ी है, बहुत सुंदर लगने वाला है अगर आप इसको बनवाते हैं तो। चीप बेस्ट, पॉकेट फ्रेंडली, बजट फ्रेंडली, ऑल ओवर टाइम, किसी भी टाइम आप ऐसी साड़ियाँ पहन सकते हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए, जिससे दूसरे लोगों को भी कम बजट में अच्छी साड़ियाँ मिल सके।